हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम पुष्पेंद धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई हाई अकेडमी। इस वीडियो में आपको इंग्लिश के हेट्रोनिम्स के बारे में बताने वाला हूँ। अब हेट्रोनिम्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग तो एक ही है, बट अगर उनके प्रोनंसिएशन अलग अलग हो जाएँ तो उनके मीनिंग भी अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला वर्ड है आपका BUFFET। इसको हम पढ़ेंगे वफेट या बूफे। बफेट का मतलब, अगर आप इसको बफेट पढ़ेंगे इसका मतलब होता है धक्का मारना, मुक्का मारना, थप्पड़ मारना, हिट करना। अगर इसको आप बूफे पढ़ेंगे तो बूफे आप समझते ही कहाँ, जब आप शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे जो खाना होता है कैसा होता है कि खुद ही यहाँ पे गेस्ट अपने आप खुद ही सर्व करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बूफे कहते हैं। अब इसके बाद सेकेंड देखिएगा, सेकेंड क्या है, MINUTE। इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक होता है मिनट और एक होगा माइन्यूट। मिनट का मतलब आप समझते ही हैं, एक मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, 60 सेकेंड। और लेकिन अगर मैं इसको माइन्यूट पढ़ूंगा, माइन्यूट का मतलब होता है टाइनी, मीन्स छोटा। जैसे कहते हैं ये बहुत छोटा वर्ड है, तो आप इसको बोलेंगे जैसे ये बहुत ही छोटा पेड़ है, तो ये टाइनी ट्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और IMP है, क्योंकि अधिकतर हम इसके प्रोनंसिएशन में भी गलती करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा है CLOSE, क्या पढ़ेंगे इसको, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बंद करना, शट करना। लेकिन क्लोज जैसे कहते ना कि मैं अपने पापा के बड़े क्लोज हूँ, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन वो क्लोज नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पर हमें कहना चाहिए क्लोज। क्लोज का मतलब किसी के नियर होना, किसी के बहुत, मतलब जैसे कहते हैं मैं अपनी माँ के बड़े मतलब क्लोज हूँ, मैं अपने दोस्त के बड़े क्लोज हूँ, या मैं उसके बड़े क्लोज हूँ, तो वहाँ पे वो क्लोज नहीं कहते, उसको हम क्लोज कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोज, उसका मतलब होता है नियर बाय, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं REFUSE, क्या पढ़ते हैं, रिफ्यूज़, क्या पढ़ेंगे, रिफ्यूज़। अगर हम इसको रिफ्यूज़ पढ़ते हैं, इसका मतलब है डिनाई करना, किसी चीज़ के लिए मना करना। बट अगर मैं इसको रिफ्यूज़ पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ इसको, रिफ्यूज़, तो रिफ्यूज़ का मतलब होता है गारबेज, मतलब कचरा होता है। क्या होता है उसका मतलब, गारबेज, कचरा। तो यहाँ पे प्रोनंसिएशन पर डिपेंड कर रहा है उसका मीनिंग। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, क्या है, RESUME, क्या पढ़ते हैं इसको, रिज्यूम। जैसे आपने देखा रिज्यूम होता है ना, जैसे आप कोई वीडियो देखते हैं और आप उसको पॉश कर देते हैं, तो पॉश करते तो क्या होता है, उसमें लिखा रहता है रिज्यूम और स्टार्ट ओवर। रिज्यूम का मतलब होता है कि टू रीस्टार्ट, मतलब फिर से शुरू करें, और स्टार्ट ओवर का मतलब तो होता है, मतलब रिज्यूम का मतलब फिर से शुरू करें। अब यहाँ पर अगर मैं इसी को RESUME को क्या पढ़ता हूँ, रिज्यूमे, क्या पढ़ूंगा, रिज्यूमे। तो रिज्यूमे क्या होता है, एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है जो जिसमें हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, सब चीज़ें मेंशन रहती हैं। उस तरह के डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है, रिज्यूमे। जैसे हम कहीं जॉब पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है, रिज्यूमे देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, रिज्यूमे। अब देखिएगा, अब आता है RESIGN, इसको क्या पढ़ेंगे, रीसाइन। अगर रीसाइन पढ़ूंगा इसका मतलब है कि फिर से आपको सिग्नेचर करने, फिर से अगेन सिग्नेचर। लेकिन मैं इसको अगर रिज़ाइन पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, रिज़ाइन, तो रिज़ाइन का मतलब होता है कि इस्तीफा देना। क्या देना, इस्तीफा देना, कहीं से क्विट करना। तो ये आपका हो गया। अब एक और वर्ड होता है जो कि काफ़ी फेमस है, तो जिसको हम पढ़ते हैं IRONE, क्या लिखा है ये, आयरन। अगर मैं इसको आयरन पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ इसको, आयरन, आयरन पढ़ता हूँ, इसका मतलब होता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लोहे की बात कर रहा हूँ, मेटल की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है, हम एक और अगर हम क्या करते हैं, किसी कपड़ों पर प्रेस करते हैं, कपड़ों पर प्रेस करना, इस्त्री करना, तो उसको हम, उसको भी क्या कह देते हैं, आयरन। एक्चुअली उसको आयरन नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन। तो इसको हम शॉर्ट में पढ़े तो आयन, 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 आयन। तो वो आयरन नहीं होता, आर साइलेंट हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पे, आर साइलेंट, तो हो जाता है आयन। आयन का मतलब होता है प्रेस करना, इस्त्री करना। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। तो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इस वीडियो को, तो मैं इसी टॉपिक पर और भी सारे वीडियोज़ बनाऊंगा, जिसमें हमारी प्रोनंसिएशन से रिलेटेड बहुत सारी मिस्टेक हमें पता चलेंगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।